बागेश्वर में विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई में लोगों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर उपभोक्ताओं ने हाई वोल्टेज की समस्या को दूर करने के लिए उच्च क्षमता वाले ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। इसके साथ ही बिजली की अघोषित कटौती को दूर करने की भी मांग की गई। बिजली की लेके हमें काफी समस्याएं आती हैं। लो वोल्टेज रहता है, वोल्टेज बहुत कम आता है। दूसरी बात, तारे झूलते रहते हैं और कभी कभी तो खंभों में बिजली आ जाती है और लोगों को इससे बड़ी परेशानी होती है। सुझाव मैंने ये दिया है कि एक तो लॉबिंग की जाए, नंबर एक। नंबर दो, जो पोल है पोल दिए जाएँ, जो पोल हम लोग डिमांड दे रखी है, अभी हाल ही में हमने डिमांड दी है, तो पोल हमें दी जाए और हमारे गांव में लगाई जाए। बेसिकली बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमारी पब्लिक ने उठाई है कि सप्लाई, कुछ जगह पे सप्लाई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जो कि बेटा द्वारा जहाँ पे सप्लाई की जाती थी उनके पावर हाउस बंद होने की वजह से या किसी वजह से ख़राब होने की वजह से। तो हमने इस चीज़ को बिल्कुल मान लिया है कि जो भी सप्लाई है वो हम अपने ग्रिड से उसे जोड़ने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हमने अपने अध्यक्षीय व्यवस्था को भी निर्देशित कर दिया। वहीं विद्युत नियामक आयोग के सदस्यों ने दूर दूर से आए बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं सुनकर उनका जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।